हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। और आज हम लोग बात करेंगे द व्हील ऑफ टाइम, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई है, और योर ऑनर सीजन टू, जो कि सोनी लिव ऐप पर रिलीज हुआ है। दोनों ही सीरीज का एक ही वीडियो में रिव्यू करने का बस एक ही मकसद ये है कि मेरी ऑडियंस का जो टाइम ज्यादा ज्यादा वेस्ट ना हो, और दोनों ही शोज के पूरे एपिसोड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए। तो चलिए, अब ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द व्हील ऑफ टाइम, जो कि अमेजोन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई है। फिलहाल सिर्फ 3 ही एपिसोड्स आए, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 54 मिनट से लेके 57 मिनट के, और ये आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन चारों ही लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। उसके अलावा दूसरे भी लैंग्वेजेस है जो कि हमारे इंडिया में शायद नहीं चलते हैं। चलते तो आके देख लो यार। इस शो का प्लॉट सिंपल सा ये है कि मोरन, जो कि एक एस सेडाई है, अब इस बंदी के पास कुछ मैजिकल एबिलिटीज है, और इस तरह की दूसरी भी लेडीज है। फिलहाल हमें सिर्फ मोरैन ही देखने को मिली है। अब मोरैन अपने एक सोल्जर के साथ एक ऐसे लड़के की तलाश में, जिसका पुनर्जन्म हुआ है। अब ये लड़के के तलाश में क्यों है, फिर इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते, कैसे क्रीचर्स की एंट्री होती है, बहुत सारे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो यार, फिलहाल सिर्फ 3 एपिसोड रिलीज हुए, तो हम लोग ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता सकता हूँ, यस, ये शो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कुछ एडवेंचरस शोज देखना पसंद है, सॉरी, फैंटेसी एडवेंचरस शोज देखना पसंद है मेरी तरह, तो ये शो को जरूर चेकआउट करना। आप फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते, क्रीचर्स की एंट्री होना शुरू होती है, उसके बाद जो एक इंटरेस्ट बना रहता है, फिर हमको समझ में आता है कि हाँ भाई, कहानी किस तरफ जा रही है। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट बनता है वो थर्ड एपिसोड के एंड तक बना रहता है। उसके बाद शो में आपको काफी कैरेक्टर्स देखने को, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा, और हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग एसेंस आप लोग फिलहाल फील कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, ये भी अभी और भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे आने वाले एपिसोड्स में, जो कि बहुत ही धमाकेदार रहने वाले, और इनके सारे एपिसोड्स आपको आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगी। फिलहाल शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, वो जो क्रिएचर्स है, वाह यार, उन्होंने तो मुझे हॉबिट मूवीज की याद, फिर से तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की याद दिला दी यार। सीरियसली, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम नहीं लूँ, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसा मास्टरपीस सीरीज है कि उसके लेवल की सीरीज शायद ही कभी फ्यूचर में बन पाए। तो सीरियसली, गेम ऑफ थ्रोन्स के टक्कर की तो नहीं, लेकिन हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट के टक्कर के जरूर लगे मुझे जो क्रीचर्स थे। अभी देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स हमें क्या दिखाते हैं। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, तो भाई जितने भी एक्टर्स हैं, सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया। और हाँ, डायरेक्टर की यहाँ पर मैं बात करूँ कि भाई, ये शो के जो डायरेक्टर है, उन्होंने वेस्ट वर्ल्ड, स्ट्रेंजर थिंग्स, अल्टर्ड कार्बन और ब्लैक सेल्स से जबरदस्त शोज बनाए, और इस पर्टिकुलर शो को भी जो डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका डायरेक्शन। मतलब कंप्लीटली 3 एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जाके जरूर देखना। और हाँ, पेरेंटल गाइडेंस इतना बोलूंगा, शो में आपको वॉयलेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और हाँ, कुछ किसिंग सीन्स भी और न्यूडिटी के सीन्स भी है। तो यार, ये फैमिली के साथ बैठ के मत देखना, आप अकेले तो जरूर देखना। और हाँ, हिंदी डबिंग भी इसकी अच्छी तरह से की गई है। खैर, अब बात करेंगे हमारे सोनी लीव के योर ऑनर सीजन 2 की, जो कि इजरायली टीवी सीरीज का एक ऑफिशियली एडेप्टेशन है। खैर, सीजन 1 लोगों को अच्छा लगा था, कुछ लोगों को इतना खास नहीं लगा था, और मुझे भी ओके से लगा था, लेकिन हाँ, जिमी शेरगिल मुझे आउटस्टैंडिंग लगे थे। अगर सीजन 2 की बात करें, तो कहानी एग्जैक्ट सीजन 1 के एंड में, जहां पर भीषण खोसला, यानी कि जो जब है, यानी कि भीषण खोसला, यानी कि जज भीषण, यानी कि जज भीषण खोसला, खोसला की माँ का, यानी कि जज भीषण खोसला, यानी कि जिमी शेरगिल सतनाम मुटकी पर गन तान देते हैं। अब उसके बाद उनको वो शूट कर देता है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे भीषण कोशना की लाइफ में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। देखो, सीजन 2 में भी फिलहाल सिर्फ 5 एपिसोड रिलीज हुए, बाकी के 5 एपिसोड हमें आने वाले हफ्ते, यानी कि 26 नवंबर को देखने को मिलेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसलिए 5 एपिसोड देखने के बाद मैं पूरी शो के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि यस, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिली, स्पेशली 2 कैरेक्टर्स में, एक तो जिमी शेरगिल में यानी कि भीषण खोसला में, और दूसरे उनके बेटे आबिर में। और एक ही चीज बोलूंगा कि भाई, ये शो उन अनएक्सपेक्टेड शोज में से एक है, इंडियन शोज में से एक है, जो पहली नजर में शायद आपको इतना पसंद ना आए, लेकिन जब आप लोग इस शो को देखने बैठोगे ना, तो वो आपको अपने अंदर ऐसा समा जाएगा, मतलब आपको उठने का भी फुर्सत नहीं होगी। और सीरियसली, सीजन 1 से 1000 गुना अच्छा मुझे सीजन 2 लगा। और एक ही चीज बोलूंगा मैं भीषण खोसला कैरेक्टर के लिए, कि अब उसके पास और भी ज्यादा चैलेंजिंग चीजें आ गई। देखो, एक तरफ तो उसको अपने बेटे को बचाना था, दूसरी तरफ उसको इंसाफ, यानी कि वो जज है भाई, तो उसको लॉयल रहना है।
हमेशा, लेकिन अब उस पर भी बात आ गई है। तो अब वो क्या करेगा, कैसे निपटेगा भाई, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी और ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। कि उसके अलावा कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए जैसे गुलशन ग्रोवर और माही गिल के, तो फिलहाल उनके कैरेक्टर में मुझे कुछ खास दम नहीं लगा। हालांकि काफी हद तक चीजों को टर्न किया है शो में आकर, लेकिन वो जो मजा था वो मजा अभी तक आया नहीं, शायद आने वाले एपिसोड्स में आया। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है जैसे वो पुलिस वाली, यार उनका नाम मैं भूल जाता है, लेकिन यार उनके कैरेक्टर में काफी ज्यादा दम है और सीजन 2 में भी मजा आ रहा है देखने के लिए। ओवरऑल सीजन 2 जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज्यादा देखने को मिला। और हाँ, अगर एडल सीन की बात करो तो वही रेप सीन जो आपने पहले सीजनों में देखा था उसकी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी उसके अलावा तो कुछ ऐसा खास एडल सीन मुझे लगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई आजकल जितनी भी सीरीज बन रही है मैक्सिमम आप लोग अकेले देखो तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, योर ऑनर सीजन 2 के लिए तो मैं इतना ही बोलूंगा कि यस, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। आप देखते हैं कि जो बाकी के जो फाइनल 5 एपिसोड है वो किस तरफ टर्न लेते हैं। फिलहाल तो काफी क्लिफ हैंगर भी मुझे ऐसा लगता है खत्म हुआ। बाकी अब आप लोग खुद मुझे बता देना, अगर आप लोग शो देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, ताकि जो दूसरी ऑडियंस है उनको समझ में आए कि यार शो कैसा है। क्योंकि मैं बोलूंगा लोग भरोसा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग कमेंट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यार रेटिंग्स मैं किसी भी शो को नहीं दूंगा जब तक मैं कंप्लीट नहीं देख लेता। तो यार बस इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो टमाटे प्याज मूली गाजर जो फेंक के मारना फेंक के मार सकते हो, यहाँ तक तो आने वाला है नहीं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हेल बाउंड और काउबॉय बीबॉप इन दोनों का रिव्यू आएगा, लेकिन वो कल यानी कि सैटरडे को आएगा, आज नहीं आएगा, आज इसी वीडियो से काम चला। और हाँ, धमाका देखने में इंटरेस्टेड मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कार्तिक आर्यन रीजन नहीं है, बट वो जिस कोरियन मूवी का रीमेक है वो ओरिजिनल मूवी मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ और उसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है, तो उसको जाके चेकआउट करो या तो फिर एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा। और हाँ भाई, बंटी और बबली के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।